एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा है, बंद कर दो ना। तो क्या कहते हैं, ये चीज़ हुई और नेक्स्ट चीज़ मेरा टीटी पंप पे लगा है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा एंड डॉक्टर ने मुझे बेबी की हार्ट बीट भी सुनाई। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेज व्लॉग, आज मैं जा रही हूँ घर से बाहर, तो आज इनका ऑफ है और आज हम जा रहे हैं बाहर, बुफे है हमारा और हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं। सो जल्दी से मैं रूम अभी नहीं समेट रही हूँ क्योंकि अभी काम वाली आंटी आएंगी और झाड़ू पूजा करके वो चली जाएंगी। तो ठीक है, हाँ के देखती हूँ। बाय द वे लाइट्स वगैरह मैं सब ऑफ कर दे रही हूँ, मैंने यहाँ पे फेक लैशेस लगाई हैं, वो नीचे जा चुके हैं, लेट हो रहे हैं हम। एंड बस जल्दी से बैक कैमरा से दिखाती हूँ, मेरा रूम अभी मैस हो रखा है और घर जाके मिलती हूँ। सो गाइस, मेरा रूम फुल्ली मैस है एंड जल्दी से सारा सामान समेट के मैं जा रही हूँ। ये मेरी मेडिसिन एंड आई थिंक मैंने सारा सामान रख लिया है, मैं एयरपोर्ट्स अपने रख के भूल गई हूँ, आई थिंक मेरे ड्रॉर में है। ओह माय गॉड, आई डोंट लव योर। तो ये भी है पूरे। सो ओके देन, बाय। सो गाइस, हम ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे तो मैं यहाँ पे ब्रेड जैम लेके आ गई थी, मतलब लगा के आ गई थी ब्रेड पे, और मैं घर पे खा गई थी। बीच का जो पार्ट होता है ना, मैंने वो खाया था जिसमें जैम लगा हुआ था। और सुबह से मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरा ब्लड शुगर लो चल रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ना मतलब हाथ पैर कांप रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। क्यों? रीजन इज है मेरे पास, पुलिस ने मुझे नारियल पानी नहीं दिलाया। अब नारियल पानी सुबह सुबह नहीं पीऊंगी तो ऐसे ही होगा ना। तो अभी हम आज हमारा बुफे है ना, आप तो आए ही खाली पेट, इसलिए होगी बुफे नहीं आया। आए तो अब इसलिए हो कि आज हमारा बुफे है, तो चलो खाली पेट चलते हैं, नाश्ता नहीं करके आते हैं। एंड बाय द वे पे क्या लगा हुआ कहां पे? ये वाइट वाइट पता नहीं कहां से आ गया। और और भारत हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, अच्छा इन दी सेंस बहुत मतलब रिलैक्स फील करती हूँ और मास्क लगा देती हूँ, वरना कोई मामा आके मेरा 2000 का चलान काट देगा। इट्स ऑल्सो नॉट सेफ फॉर हमारे लिए भी क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो चलिए मैं वहाँ जाके आपसे मिलती हूँ, बाय। ये लगी तो हुई है और कितनी लगाऊं गाइस। मैं इस तरह की ड्रेसेस आजकल वेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड किसी ने मुझे कमेंट किया था मेरी प्रीवियस वीडियो पे कि आपको बेबी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लाइक 7 महीने लग गए हैं ऐसे करके, पता है किसी को कॉमेंट आया था। अरे उस टाइम मैंने खाना खा रखा था, 2-4 किलो हो जाते हैं, आप दुश्मन हो क्या? तो आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बेबी बंप इतना ज्यादा भी नहीं है, मतलब है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है। और मुझे अभी तक वॉमिटिंग चल रही थी, मतलब कंटिन्यूसली मैं वॉमिटिंग करती थी, मतलब अभी भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई है, अभी भी हो रही है। कि कल परसों ही तो हुई थी है ना, सारा दिन एक बार हॉस्पिटल गई हूँ, जिस दिन भी हॉस्पिटल क्या हो रहा है मेरे बालों में, एक बार जाती हूँ मतलब हॉस्पिटल जाने के बाद तो ये रहता है, उस दिन सारा दिन मेरी उल्टियाँ चल रही। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं सर्विस सेंटर, तो वहाँ पे देखते हैं कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, पाँच मिनट जाने में भी नहीं लगेगी, मतलब पहुँचने में भी 10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे है ना। तो वहाँ पे हमें क्या चेक करना है? हमारी गाड़ी पे एक दो डेंट आ गए हैं एक महान इंसान की वजह से। हाँ, स्टार्टिंग में ही आ गए थे, तो अभी हमें वो देखना है, इनको एक वो निकलवाना है
तो मैं कह रही थी कि अगर बाय चांस, मतलब इन्होंने देखा कि कीर्ति नगर में एक डेंट निकालने वाला है, लेकिन मैं कह रही बाय चांस अगर डेंट निकालते वक्त गाड़ी का पेंट उतर गया तो क्या गारंटी है? तो कोई गारंटी थोड़ी ना लेगा, तो वो पहले थोड़ी ना बताएगा आपको कि हाँ भाई कैसे करेगा। हाँ ये तो बताएगा। तो आज जाएंगे वहाँ पे? आज नहीं जा रहे। तो आज इनका ऑफ है और आज का डे हमें काफी अच्छे से यूटिलाइज करना है, हमें काम भी थे वो भी हमें निपटाने हैं। तो चलिए अब मैं सीधा सर्विस सेंटर जाके पहुंच के बात करती हूँ। पेंट नहीं हटा, बिल्कुल भी डेंट है। कहता यहाँ तो ड्राई डेंट निकलता नहीं, अगर आप बाहर निकलोगे ना तो पेंट कट जाएगा और निशान आ जाएगा। कहता जितना अभी लग रहा है ना।
किधर जाना है? इधर लग तो रहा है गाइज, हमने अपना नेम लिखवा दिया है तो अभी यहाँ पे वेटिंग चल रही है। शी सेड कि आधा घंटा लग जाएगा। हमने सोचा हम कार में आके बैठते हैं, हम बोल के आएंगे फ़ोन कर देना, एंड क्योंकि ये कोरोना का टाइम चल रहा है ना, तो ऐसे सही नहीं रहता, सेफ नहीं है, अंदर बहुत सारे पेशेंट थे, तो हमने सही समझा कि अपनी कार में ही आके बैठ गए। है ना, एसी भी चलाओ। हाँ, और क्या, गर्मी में मरेंगे। अजीब व्यक्ति। यहाँ पे ना एक होल्डर ले लो मेरे फोन के लिए, है ना, देखो। ओ वाओ, सी गिर जाएगा? नहीं गिरेगा, गिर जाएगा, नहीं गिरेगा। गाइस, मुझे मेरे सारे कपड़े टाइट हो रहे हैं, लाइक एक एक सिंगल सिंगल सूट इतना महंगा महंगा, और सब मुझे टाइट हो रहा है, रखते हुए भी दुख हो रहा है। सो अगर आप देखना चाहते हो ना, मैं रख दूंगी उसे, क्योंकि जितने भी मेरी ड्रेसेस थी मैं सारी पैक करके रख रही हूँ अभी, क्योंकि फिलहाल कुछ भी सही नहीं आ रहा। बट फिर भी अगर आप देख रहे हो, ट्राई नहीं करके दिखा सकती, फिर भी आप मेरा सूट्स का कलेक्शन देखना चाहते हैं, हैवी हैवी सूट्स, तो डेफिनेटली मैं वीडियो लेके आ जाऊंगी कि मैंने कौन सा कहाँ से खरीदा है, वो आप देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने शादी के आई थिंक एक महीने बाद मैंने शेयर किया था। 100 Mbps का है ना? तो हाँ, मैंने उस टाइम एक वीडियो शेयर किया था, आप वो भी देख सकते हैं। मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल। ऑल आउट लगा लूं कार में? लगा लूं। बेचारे ने परफ्यूम लगाया था, वो तो वर्क नहीं कर रहा। 20 रुपए वाला परफ्यूम जो 30 रुपए वाला ये शैशे आता है, वही काम कर रहा है। हाँ, ये कर रहा है और दूसरा तो नहीं कर रहा। और ना अभी फिलहाल मेरा ऐसे रिलैक्स होकर बैठने का मन करता है, मतलब कार में ही बैठती हूँ ना, ऐसे आगे की तरफ झुकती हूँ तो बहुत अनकम्फर्टेबल सा हो जाता है मेरे लिए। सो बस हम वेट कर रहे हैं, आधा घंटा लगेगा। घूम के आ जाए कहीं, मास्क तो हटा लो। चलो कर जा बेटा, कहीं भी कोई हुआ तो। ना अभी रोड पे भी, और मास्क अपनी सेफ्टी, रोड पे भी चलान काट देंगे। हाँ, इतने हो गए कि हम रोड पे भी चल सकते, इतना ही हो गया और हमारी सेफ्टी के लिए। देखते हैं कि ये ट्राइपॉड कार चढ़ चुकी है कितनी देर में जाएगा। फोन टूट जाएगा, सही कह रहा हूं, नहीं गिरेगा, ऐसे गिर जाएगा। मैंने पकड़ लिया गिरा तो। अभी हम घूमने जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं दोस्तों के साथ, एंड बस वेट करते हैं। बाय द वे, आ रहा हूं मैं लिपस्टिक। ओके गाइस, सुबह आए थे, रात हो गई, प्रोटीन पाउडर लेके घूम रही हूँ। सो हमें जो भी डाउट्स थे ना, वो हमारे क्लियर हो गए हैं। गिर जाता भी नहीं, नहीं, एक बड़ा मच्छर घुसने वाला है, एक बड़ा मच्छर घुस गया। आउच, टीटी में दर्द हो रहा है। हाँ, सो एक मिनट लाइट ऑन कर रहे हैं। सो गाइस, एक्सपीरियंस मेरा यहाँ का आपका कैसा रहा? अच्छा।
अच्छा लगा, मतलब एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा है और जो भी डाउट्स थे वो भी हमारे क्लियर हुए हैं। यार शक्ल देखो कितनी गंदी लग रही है, एक सेकंड फोन होल्ड पर बैठ। एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा है, बंद कर दो ना। और मुझे टीटी इंजेक्शन भी लग गया, उन्होंने कहा कि हाँ लेट हो गया है और बहुत सारे मेरे इंजेक्शन बोल रहे हैं। टीटी का असर सर पे भी आ गया और बहुत सारे मेरे अभी क्या कर रहे हो टेस्ट नहीं हुए हैं, जिसमें से उन्होंने लिख के दिया है कि ये सारे टेस्ट एज सून एज पॉसिबल करा लो। एक टेस्ट था जो थर्ड मंथ में हो जाना चाहिए था, जिसमें ये पता लगता है कि बेबी पूरा मतलब अच्छे से डेवलप हो रहा है या फिर मतलब मम्मी पापा से उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, मतलब प्रॉब्लम इन दी सेंस कि फैमिली में कोई जेनेटिक इशू है तो वो बच्चे में ना आए, तो उस चीज़ का टेस्ट होता है। और उस डॉक्टर ने मेरा वो टेस्ट मिस करा दिया, तो यहाँ पे अभी कुछ डबल कुछ करके था ना, उसका नाम याद है, डबल समथिंग था, तो वो अभी मेरा होगा। तो हाँ चलो अभी मैं घर पे फोन करके मम्मी को बता रही हूँ। हमारा जो सिंगल वाला था, मतलब जो थर्ड मंथ में होना था वो हुआ नहीं। अब डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं लेट हो गया है, बट स्टिल हम अब कर सकते हैं, क्योंकि कह रही उसमें मतलब उस टाइम परफेक्टली जो डेवलपमेंट थी वो और जेनेटिक इशू वो पता लग जाता। फिर हाँ इसमें भी हाँ, लेकिन ये है ना कि कई बार होता है कि देखो किसी में अगर प्रॉब्लम होती है तो लोगों को जल्दी पता लग जाए तो डॉक्टर भी रिजोल्व करवाता है, समझते हो उस चीज़ को। तो क्या कहते हैं ये चीज़ हुई और नेक्स्ट चीज़ मेरा टीटी पंप पे लगा है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। एंड डॉक्टर ने मुझे बेबी की हार्ट बीट भी सुनाई। सो कैबिन में अलाउड नहीं होता कि मैं वीडियो शूट करूं, एंड मुझे डिलीवरी को लेके भी डाउट था, तो उन्होंने एक दो हॉस्पिटल हमें रिकमेंड किए हैं। तो जो डॉक्टर है वो बहुत ही अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में, लाइक फोर्टिस हो गया, वेंकटेश्वर हो गया, रॉकलैंड, हाँ, तो अच्छे अच्छे, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल उन्होंने बताया कि हाँ आप देख सकते हैं। सो डिलीवरी का भी हमें डाउट है, क्योंकि डिलीवरी का सबसे मेन टेंशन होती है और मतलब वो चीज़ परफेक्टली हो जाए। एंड अभी हम जाएंगे क्या नारियल पानी लेने? जिम छूट गया मेरा आज का। ओ भाई साहब मेरा टाइम नहीं देखा, तो सीधे जिम जा रहे हो? ओके, तो फिर मेरा नारियल पानी सागर के साथ ले आना, आज कितनी डेट थी? 11 है ना, आज 12 अप्रैल आज। तो मेरा सेकंड विजिट जब डॉक्टर पे होगा तो वो है 3rd of May। तो एक महीने की हम दवाई लेके आए, इतनी महंगी दवाई मिली यार 5100 रुपए की, ठीक है। और चलो अब सीधा अभी ये जिम जाएंगे। तो डॉक्टर कितनी अच्छी है, लेकिन सबका थोड़ा ये चीज है, हाँ ये चीज तो थोड़ी जो महंगी वाली होती है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, हाँ हाँ, क्योंकि इनका कमीशन कुछ होता होगा यार, हर किसी का होता है। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स रखे हुए थे इनके यहाँ पे, तो बस अभी मैं घर जा रही हूँ, ये जिम चले जाएंगे। मेरे बहुत दर्द हो रहा है, तो उन्होंने कहा टीटी पे कई बार सस्ते में भी आती होगी सोल्ट वाली, तो तो अभी मैं जाके, उन्होंने बोला टीटी में जो इंजेक्शन लगा है वहाँ पे लम्ब भी बन सकते हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बर्फ से सिकाई उसकी कर सकते हैं। एंड राइट नाउ सही बताऊँ तो मुझे बहुत तगड़े वाला पेन हो रहा है, सच्ची बताऊँ बहुत दर्द हो रहा है। हाँ मतलब ऐसा लग रहा है वहाँ से ना सुनसा एरिया हो रहा है, और घर जाके बस चेंज, अरे सच्ची में हो रहा है। तो चलिए मैं घर जाके आपसे मिलती हूँ, बाय। नाउ गाइस मैं घर आ गई थी, एंड अभी मैंने ड्रेस चेंज नहीं की है, सो मैंने सूट वेयर किया था। एंड यस अभी मैं जा रही हूँ मेकअप रिमूव कराने, पीछे येलो टॉवल आप फिर ही देख रहे हो, इससे मैंने अपने ब्लू सूट का ब्लू सूट का कलर चढ़ा दिया। एंड मैं कैमरा से मैं दिखाती हूँ, नहीं फ्रंट से ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मेकअप रिमूव अपना करने वाली हूँ, सो ड्रेस्ड माई मेकअप रिमूवर, और इसके साथ साथ मैं ये वाला क्लिनिक का भी यूज़ करती हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। ये फेस वॉश अभी मैं फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ, और एक डर्मोबाइक का यूज़ कर रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। सो यस अब मैं फेस वॉश करने के बाद आपसे मिलती हूँ।
फ्रेंड्स, मैंने फेस वॉश कर लिया है और ये वीडियो देख रही थी, तो इसके बाद मैं अपना स्किन केयर यहाँ पे करने जा रही हूँ, जिसके लिए फर्स्ट टाइम यूजिंग कमाई पैदा का मोगरा वाटर। आफ्टर दैट मैं कम आयुर्वेदा की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, शादी से पहले से ही मैं यूज़ करती हूँ कम आयुर्वेदिक रेजुनेटिंग ब्राइटनिंग आयुर्वेदिक नाइट क्रीम। आपने देखा होगा मेरी बहुत सारी वीडियोस में। बस मुझे चेंज करना है, किचन में आई हूँ क्योंकि मैंने खाना मंगाया था, मेरा इडली सांभर, इडली नहीं डोसा खाने का मन था, मम्मी का मन था डोसा खाने का, लेकिन मतलब इडली खाने का, क्या बोल रही हूँ मैं। सो प्लेट्स में ले रही हूँ एंड ये बाहर खा के आ गए हैं तो अकेले ही खाना खा रही हूँ। देखो मैं मिरर में भी दिख रही हूँ आपको। सो यस, भूख लग रही है अभी बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से एंड मैंने ले लिया है सामान, ये प्लेट्स और लास्ट चीज़ ले रही हूँ जो कि है, मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पी, ये पता नहीं मैंने बचाई भी है। थम्स अप।